कोरोना के डर से न्यायालय परिसर भी सुने नजर आए। कोड़ा क्षेत्र में कोरोना वायरस के चलते क्षेत्र में सभी कर्मचारी भी विशेष रूप से जन जागरण के लिए लगे हुए, यहां कोर्ट परिसर में भी सुना नजर आ रहा। साथ ही विशेष परिस्थितियों में ही कोर्ट में बुलाया जा रहा परिवादियों को, साथ ही विशेष रूप से ही इन्हें बुलाकर किया जा रहा कार्य, सामाजिक कार्यों के आयोजनों को भी किया जा रहा रद्द। कोटड़ा क्षेत्र में कोरोना वायरस को लेकर एडवोकेट बार एसोसिएशन कोटड़ा ने भी सजगता दिखाते हुए जन जागरण का कार्य कर रहा, जिसमें एडवोकेट मोहम्मद हनीफ अब्बासी ने बताया कि कोटड़ा क्षेत्र सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम कर रहे हैं। कोटड़ा क्षेत्र में फिलहाल तक तो कोई कोरोना वायरस से प्रभावित पेशेंट नहीं पाया गया है, लेकिन राजस्थान सरकार और राजस्थान हाई कोर्ट और जिला एवं सेशन न्यायालय के दिशा निर्देश के मुताबिक जो है एहतियात बरता जा रहा है। राजस्थान सरकार के द्वारा धारा 144 लागू कर दी गई है। 5 या इससे अधिक लोग जो है सार्वजनिक स्थानों पर मतलब जो है एकत्रित नहीं हो सकते, वो बतौर एहतियात जो है ये कदम उठाया गया है। इसी तरीके से सभी न्यायालयों में भी जो है हाई कोर्ट और सेशन न्यायाधीश के आदेश के मुताबिक एहतियात बरता गया है, जिसमें सिर्फ जो है बहुत ही आवश्यक किसी गवाह को या किसी पक्षकार को बुलाया जाना जरूरी समझा जाएगा तो ही बुलाया जाएगा, अन्यथा जो है किसी भी गवाह या किसी भी क्लाइंट को न्यायालय में उपस्थिति होना जरूरी नहीं है, ना ही न्यायालय कोई प्रतिकूल आदेश पारित करेगी। इसलिए बतौर एहतियात जो है 31 मार्च तक जो है हर क्षेत्र में एहतियात बरता जा रहा है, उसी के तहत जो है न्यायपालिका भी पूरी तरह से एहतियात बरत रही है। फिलहाल जो है ये क्षेत्र सुरक्षित है, फिलहाल यहाँ कोई कोरोना वायरस से प्रभावित मरीज नहीं पाया गया है, और इसकी इस बचाव का एहतियात ही सबसे उत्तम उपाय है।